हेलो बच्चों, कैसे हैं? अब आप लोग ठीक होंगे, क्योंकि मौसम का तो तकाजा है, पढ़ाई का भी प्रेशर होगा, यूटी भी होने वाला होगा, तो कुछ स्कूल में तो यूटी होता भी है, कुछ में नहीं भी होता। इलेवेंथ वाले को थोड़ा सा छूट मिलता है कि ये बाद में आए हैं। आप लोगों को शुरुआत में टेंथ के बाद, इलेवेंथ में आने के बाद तो परिवर्तन होता है, आप तो जानते ही हो, वो तो आपको पता चल गया होगा। हम लोग 1.4 पे थे, 1.4 के क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, दैट मीन्स a इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। बी इज एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर दैट मीन्स 2, 4, 6 एंड सो ऑन। सी इज ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। डी इज एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, डी इज प्राइम नंबर दैट मीन्स 2, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। 9 इज नॉट प्राइम, इट इज 11 प्राइम नंबर। वी नीड टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स व्हाट? जो बेटा ए और बी दोनों में हो, दिस इज इक्वल टू योर सेट बी, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन सी। A intersection C, that means already C, 1, 3, 5 and so on, this is equal to section C. A intersection D, it means all the prime number, it is also same D, A intersection D. B intersection C, B intersection C, that means 5. Because not a natural number, which one even and odd both. So, intersection is 5. Similarly, B intersection D, B intersection D is only 2. B intersection D is equal to only 2. Only 2. Please wait. सॉरी बेटा, बी इंटरसेक्शन डी इज ओनली 2। नाउ सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी इज योर सी एंड डी, दैट मीन्स ऑल आफ्टर 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन प्राइम नंबर। ओके, ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मीन्स इफ वी फाइंड इंटरसेक्शन एंड इट इज इफ द सेट, अ सेट सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ देयर इंटरसेक्शन इज 5। कोई ऐसा सेट बेटा जिसको कोई भी एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, तो वो सेट 5 होगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। हमारे पास दे रखा 1, 2, 3, 4, फर्स्ट में 1, 2, 3, 4 एंड अनदर इज एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कौन सा बेटा?
एंड नेचुरल नंबर कौन सा है जो 4 के बराबर हो या 6 के, दैट मीन्स 4 एंड 6 ओनली, x इज आवर इक्वल और ग्रेटर देन 4 बट लेस और इक्वल टू 6, देन इट इज डिसजॉइंट सेट, वी कैन से नो इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट, इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट. डू यू नो व्हाई? बिकॉज 4 इज कॉमन इन बोथ, 4 इज कॉमन इन बोथ. सेकेंड पार्ट ए ई ओ यू एंड सी डी ई, इट इज ऑल्सो नो बिकॉज ई इज कॉमन. एंड थर्ड पार्ट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स इज यस, ये होगा थर्ड पार्ट डिसजॉइंट सेट है, इट इज डिसजॉइंट सेट एज नॉट अ सिंगल नंबर इज इवन एज वेल एज ऑड, कोई भी नंबर इवन और ऑड नहीं हो सकता, इसलिए ये डिसज्वाइंट है. यानी एट्थ में केवल थर्ड पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, इफ ए बी सी डी यू वी हैव गिवन, देन वी नीड टू फाइंड ए माइनस बी. ए माइनस बी दैट मीन्स डिफरेंस, दोज एलिमेंट विच कंटेन इन ए बट नॉट कंटेन इन बी इज द एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी. सी ए हैव 3, 6, 9, 12, 15, 18, डायरेक्ट मैं आंसर बना रहा हूं बेटा, ए माइनस बी. कभी कभी इसको ए डैश बी भी बोलते हैं, तो घबरा नहीं, माइनस बोलो बी बोलो बात एक ही है. ए में जो है और बी में नहीं है, 4, 8, 12, 16 और 20 ये बी में है. इसमें कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 4, 8, 12, एक 12 एक कॉमन दिखा आपने, इसके बाद 16 भी नहीं है 20 भी नहीं है, तो ओनली 12 को छोड़कर ए के सारे, दैट मीन दिस इज इक्वल टू, ए में हमारे पास क्या क्या है, 3, 6, 9, 12 को नहीं लिखना है, 15, 18 एंड 21 ये हो जाएगा. बी में 12 हमें दे रखा है इसलिए नहीं होगा. ऐसे ही ए डिफरेंस सी, ए में जो है सी में नहीं है. अब ए और सी में जब हम कंपेयर करें तो 2, 4, 6 एक तो 6 कट जाएगा, एक आपका 12 कटेगा, 6 और 12 दो नंबर आपके इसमें काउंट नहीं होगा, रिमेनिंग सारे, दैट मीन्स 3, 9, 15, 18 और 21 ऐसे ही आपको सभी का निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आपको केवल डिफरेंस निकालने में जिसका भी सेट निकाला उस सेट में जो एलिमेंट नहीं है केवल उसको लेना है. समझ में क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग टेंथ पे आते हैं. टेंथ में कह रहा है हमें दो सेट दे रखा है और उसको फाइंड आउट करना. टेंथ इसमें एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड वाई इज इक्वल टू एफ बी डी जी, एफ बी डी जी. हमें पहला फाइंड आउट करना है एक्स माइनस वाई, ये भी डिटो वही है, एक्स माइनस वाई दैट मीन्स जो एक्स में है वाई में नहीं है, ए बी तो है इसलिए सी नहीं है डी है, ओनली डू
ओनली टू, ओके, ये दोनों के सिवाय. नेक्स्ट हमें कह रहा है वाई माइनस एक्स, दैट मीन्स जो वाई में है एक्स में नहीं है, एफ बी है, डी भी है, जी. एंड थर्ड इज एक्स इंटरसेक्शन वाई, दिस इज इक्वल टू जो दोनों में है, दैट इज द बी एंड डी. एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट इज योर 11. 12 तो आपको ट्रू फॉल्स है, इजिली आप कर सकते हैं. इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज द आर माइनस क्यू. आर माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ रैशनल नंबर. जो रैशनल नंबर नहीं है यानी इरेशनल नंबर है वो हमारा आर डिफरेंस क्यू का एलिमेंट होगा, क्योंकि क्यू हमारा एलिमेंट है किसका, रैशनल नंबर का. ठीक है, इसके बाद जब हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन जान लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारा है वो है कॉम्प्लीमेंट. अब कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, देखिए एक यूनिवर्सल सेट है हमारा, दिस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है. एक सेट हमने लिया ए, 1, 3, 5, 7, 9. सेकेंड सेट लिया बी, 2, 4, 6, 8, 9, 6, 8, 10. इवन और ऑड का अगर हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, देन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट में है, ए में है, ए को छोड़ देंगे, यूनिवर्सल वाले बाकी सारे, दैट मीन्स 2, 3, 5, 2, 3 नहीं, 3 तो है, तो हमारा ए को छोड़कर 1 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, फिर 4 लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 6 लेंगे, 7 नहीं लेंगे, 8 लेंगे, 9 नहीं, 10. ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया. सपोज कीजिए यूनिवर्सल सेट है x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एंड अनदर अ सेट a x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट, कभी कभी ए के ऊपर सी लिख देते हैं, लाइक दिस वन, छोटा सा सी लिख दिया, घबराना नहीं, डैश लगाओ, सी लिखो, एक ही बात है. तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एक्स सच दैट x is a students of school except class 11th class के बच्चे को छोड़कर remaining जितने भी हैं वो हमारा complement में होगा. किसी का भी अगर एक कॉम्प्लीमेंट है और इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो खुद हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट खुद होगा. सिमिलरली यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई और फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट. कभी भी यूनिवर्सल सेट यानी सारे फाई जिसमें कोई नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सीधी सी बात है, यूनिवर्सल सेट. इसी बेस पर आपको कुछ प्रॉपर्टी है जो कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं. कॉम्प्लीमेंट में जो प्रॉपर्टी है, सम प्रॉपर्टी ऑफ
complement some property of complement. अब ये complement में हमारा कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले क्या ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा. नेक्स्ट ए यूनियन बी, और इसको अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं देन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा. जस्ट अपोजिट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा. इसमें उलट जाता है. ऐसे ही अभी हमने पढ़ा ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाइव, फाइव कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू. ये हमारा सदा प्रॉपर्टी होगा. इसके बिहाव पे, इस बेस पर हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करेंगे अगले वीडियो में. तब तक कॉम्प्लीमेंट समझिए, इसको बनाइए, और 1.4 तक कोई क्वेश्चन जो क्लियर नहीं हुआ हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. सब्सक्राइब तो करेंगे ही, सारे वीडियो अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. फिर अगले वीडियो में मिलते हैं. तब तक